बिस्मिल्लाह। डर लग रहा है। तुम्हें बहुत शौक है ना आते ही यहाँ घुसने। कुछ एक्शन दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज आप लोग हमें पोर्टग्रैंड में देख सकते हैं क्योंकि ये कराची की सबसे बेस्ट प्लेस है आउटिंग के लिए, विजिटिंग के लिए। और साथ में यहाँ पे हम बोट राइड लाजमी करते हैं। यहाँ से जाना बोट तक बहुत मुश्किल होता है, बहुत एडवेंचरस भी रहता है, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़नी था क्योंकि हमने डायरेक्ट नीचे जाना था अगर ज़रा सा भी हमारा पैर स्लिप हो जाता। यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल बैलेंस्ड में रखना होता है। मैंने सोचा मैं यहाँ की व्लॉगिंग लाजमी करूँगी क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ सिस्ट्रोलॉजी से, जो किसी भी कंडीशन में कोई भी हालत को व्लॉग बना रही होती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे व्लॉगिंग कंटिन्यू की ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि बोट तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बोट से और वाटर से डरते हैं। खैर, जैसे कैसे करके हमने अल्लाह अल्लाह करके अपनी मंजिल तक पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो नीचे की ज़मीन थी वो खुद पानी में तैर रही थी। वेल, बोट राइड बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ा आया। और पीस तो यहाँ पर इतना था कि आने वाले इंसान का जाने का दिल नहीं करना था। साथ में परिंदे भी ऐसे हो रहे थे जैसे तुर्की का मंजर हो। वेल, ये बहुत मज़ेदार है पोर्टग्रैंड में। और टिकट के साथ ये आपको बोट राइड पड़ती है 550 की। अगर आप लोग बोट राइड लेते हैं तो आपको टिकट फ्री पड़ता है। मिलिए इनसे, इन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा घोड़ा गाड़ी में बैठने में आ रहा था। पता नहीं लोगों के अंदर का बचपन कब ख़त्म होगा। काफ़ी बहस के बाद हम भी इनके साथ इस घोड़ा गाड़ी में बैठ चुके थे क्योंकि हमारा इरादा साइकिल पर बैठने का था। वेल, घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद भी काफ़ी खुश बैठना है, घोड़ा गाड़ी में बैठना है। टिकट उसने दिए कि नहीं दिए, इसको ये नहीं होता था, इसको ये था बैठ के। कैसी लग रही है? टुक 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 अच्छी लग रही है। वेल, हम अगर किसी के साथ आउटिंग पे जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी तरह हमारा साइकिल पे बैठने का शौक़ भी पूरा हो चुका था। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मुझे मेन स्टेयरिंग पे बिठा दिया गया था, दूसरा स्टेयरिंग डुप्लीकेट था। ये जानने के बाद मेरे दिल से दिल निकल चुका था। हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, हम तीनों मुसलमान। पोर्टग्रैंड जाने का मेरा मेन मकसद जो होता है वो इस जगह पे नमाज़ पढ़ना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून और सबसे ज़्यादा जो इत्मीनान मिलता है वो आप घर से बाहर कहीं और जाके अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका टारगेट अचीव्ड हो चुका है। और पोर्टग्रैंड वो वाहिद जगह है जहाँ पर पीस तो बहुत ज़्यादा ही है। हम वर्किंग डेज़ में आए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था लोगों का, वरना अक्सर जो रश होता है वो सैटरडे और संडे होता है। यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है तो जिनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो ज़रा एहतियात करें आने में, क्योंकि यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आ सकता। काफ़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है और सर्दियाँ हैं तो यहाँ का वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा था। दूर से हमें जो धुआं नज़र आ रहा था और समंदर था, साथ में बूट्स थी और साथ में ये शेफ़ अंकल थे और ये जैकेट पहन के जो अदाएँ मार रही थी, तो मंज़र आपके सामने ही होगा। हमने बिरयानी खाने का सोचा और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था। बिरयानी हम ले चुके थे और साथ में हमें निहारी नज़र आ गई। बहुत ही साफ सुथरी चाहिए।
निहारी को ऑर्डर देने के बाद हमने, हमारे पास बिरयानी थी तो हमने उसी पे टाइम ज़ाया करना बेहतर समझा। हम सब टूट पड़े थे बिरयानी के ऊपर, यकीन करे बहुत मज़ेदार थी। जब हमारी निहारी आई तो उसको देख के भी और मज़ा आया था। फोर्ट ग्रैंड जैसी जगह बहुत कम होती है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।